ज्ञानवापी सर्वे पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, चीफ जस्टिस ने कहा जल्द आदेश देंगे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में प्रदर्शन शुरू, पुलिस ने किया आंसू गैन का इस्तेमाल। नू में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के मामले में 3 पर हुआ एफआईआर दर्ज। यूपी पुलिस का बड़ा ऐलान, माफिया आतिक अहमद के भाई की पत्नी पर जल्द इनाम घोषित करेगी यूपी पुलिस। दिल्ली में डेंगू मलेरिया रोगियों के खिलाफ 5% बेड रिजर्व, ड्रोन से एंटी लार्वा का हुआ छिड़काव। पंडाल लगाकर सड़क और फुटपाथ को नुकसान पहुंचाया तो होगी कार्रवाई, बॉम्बे हाईकोर्ट का बीएमसी को निर्देश। सीएम भूपेश बघेल ने चीट फंड कंपनी से 94 लोगों के पैसे मंगवाए वापस, पीड़ितों ने जताया आभार। लगातार दूसरे ट्रेंडिंग सेशन में भारतीय शेयर बाजार चौतरफा बिकवाली के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स 542 और निफ्टी 145 अंक पर लुढ़का। 2031 तक 6.7 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था, अगले 8 वर्षों तक लगातार 6.7% रहेगी जीडीपी।